देखो कितना बजे तरक्की की थी। वो लिखा रहा स्वामी उधर वह खुला वा जिसने गल कराने बंद रहो दर्शन कर सकते हो। दोस्तों ये रास्ता मुड़ता वा इतों आके राइट हैंड साइड ये अपन निकली तमका भंडारा भाई यहाँ पे पन्नी गली कहाँ पे पन्नी गली यहाँ पे रासोमी है ऊपर जागृत अच्छा जो उसके सामने वाली गली है। हाँ जी दोस्तों वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन मैं तुहाडा दोस्त दविंदर सिंह। दोस्तों अज आप जा रहे हैं मोस्ट हिस्टोरिक लोकेशन जो सत्संगी वास्ते हैगी है स्वामी जी महाराज जी की उही पन्नी गली जो आगरा विच है जिथे बाबा जयमल सिंह जी जाया करते सी जद वो फौज विच सी जद उन्हां नूं छुट्टियां मिलिया करदियां सी ते उस तो पहला जद वह पूरे गुरु की तलाश विच सी ते बहुत जगह भटकन तो बाद उन्हां नूं स्वामी जी महाराज जी का पता चलिया सी ऋषिकेश तो। दोस्तों मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा ये मैं आपको RSSB की जो बुक है धरती ऊपर स्वर्ग उसमें ये ऐसा प्रूफ लिखा हुआ है और ये मैं आपको किसी रीज़न की वजह से बता रहा हूँ कि ये वही लोकेशन है जो धरती ऊपर स्वर्ग और दूसरी बुकों में लिखा हुआ है RSSB द्वारा ये आप देख सकते हो। और वहाँ जाके मैंने बात भी की सेवादारों से जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने मुझे और भी सब बताया ता दोस्तों सिर्फ यही लोकेशन रह गई सी जिन्हें भी अपने गुरु हुए ने मैं सारे दे पिंडां विलेजेस विच जाके आ चुकिया वा ता अज पन्नी गली भी आपां देखन जा रहे हैं जिथे स्वामी जी महाराज का घर है। तो दोस्तों यही व्लॉग विच मैं तुहानू दिखाऊंगा राय बहादुर सालीग्राम जी का घर जिन्हां नू उत्थे वड्डे हयूर कहिंदे आ उन्हां बारे भी तुसीं बुकां विच पढ़िया होना राय बहादुर सालीग्राम जी। तो दोस्तों जिवें तुसीं अपने संत सतगुरुआं दे सारयां दे घर विलेजेस देखे ने उस तरह ही अज आपां स्वामी जी महाराज जी का घर देखन जा रहे हैं जो अपने अज तक बुकों विच ही पढ़िया वा ते फस्ट टाइम ऑन यूट्यूब आ ये ते इस व्लॉग नू देख के तुहाडी हैल्प भी हो सकती है इनफॉर्मेशन मिल सकती है तुसीं ईजली उत्थे पहुँच सकते हो। ईजली तां नहीं मैं कहिंदा बहुत ज़्यादा सानू औखा होया लभना ते उत्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम सी। दोस्तों तुसीं चैनल नू सबसक्राइब भी कर सकते हो इस जिहियां लोकेशनस देखने लई ते अपडेट्स एंड न्यूज़ लई। एक राज स्वामी वहाँ पे है ना एक वहाँ पे एक स्वामी जी महाराज जी वहाँ पे रहते थे पता है आपको उनके बारे में कुछ हैं पन्नी गली के पास हाँ वही। दोस्तों आगरा विच गलियाँ बहुत ज़्यादा ने ते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहिंदा ते तुसीं इत्थे ऑटो जरूर कर लियो गड्डी विच तां बहुत ज़्यादा टाइम लग जूगा ते ना ही तुहानू पता लगना ऑटो वाला ऐसा गाइड काम करदा। ते एक होर दोस्तों जरूरी गल कि इत्थे स्नैचर्स तो बच के रहो जिवें तुसीं जे फोन ते गल कर रहे हो तां तुहाडा फोन कोई खो के लै जा सकदा या चेन वगैरह या कोई होर पर्स वगैरह कोई कीमती समान। दोस्तों भरावा दिमाग घूमया पिया पता नहीं लगता भरावा एक तां ऑटो वालों भी इन्ना पता नहीं सीगा। हाँ जी क्या क्या कर हमारे यहाँ से स्टेशन से सवारी आती है वो अधूरी भवन कहती है। अच्छा अच्छा अधूरी भवन देखते हैं दोस्तों अधूरी भवन कहते हैं कोई नाम नूम रख्या है ना उन्हों का जेडे इत्थे वाले जेडे आगरे वाले है रासोमी वाले नहीं। दोस्तों वो नहीं हैगा ये आ कोई लिखे आ देखो तुहाडे सामने ये आ दोस्तों लिखा हुआ ये हैगा हजूरी हजूरी भवन वो पता नहीं केड़ा भवन सी नहीं। दोस्तों वो नहीं हैगा यार वो दोस्तों वो हैगा हजूर महाराज इत्थे कोई होणगे ना हुण आपां जा रहे हां उन्होंने कहा भी स्वामी जी महाराज जी तां अग्गे आ मसाले दी खुशबू बहुत आउणगी इत्थे तुहानू ना पंसारी दुकानां बहुत ने करियाना पर पंसारी। दोस्तों पुछया असी दो तीन बंदे तो पुछते आए हैं ऑटो वाले नूं भी नहीं पता ते बट अच्छा अच्छा बट गूगल मैप ते लोकेशन लग जूगी लाई सी असी ते देखते हुण लोकलां नूं पते पता वा कि राज स्वामी दा हैगा इत्थे बहुत पुराना वा गली कितना जावांगे यार भरावा
भाई यहाँ पे पन्नी गली कहाँ पे पन्नी गली जो जो रासोमी वहाँ पे थोड़ा आगे अच्छा अच्छा आयो भाई अगे आयो है खुले तुडे को दे दो कोई नहीं कोई नहीं यहाँ पे रासोमी है वहाँ पे ना बहुत पुराना है फल की दुकान है बड़ी सी फलों की अच्छा अच्छा उसके सामने वाली गली है फलों की दुकान के सामने वाली यहाँ से सीधा जाना आपके मेरी वीडियो बना रहे हैं हाँ यूट्यूब कैसे क्यों है कैसे क्यों YouTube पे यूट्यूब पे वीडियो डालने डाल सकता हूँ ना कोई बात तो नहीं वो ऑन वो कैमरा ऑन रहेगा था ना इसलिए मैं चलो आपकी बना लो हाँ हाँ वहाँ पे वहाँ पे पन्नी गली बोल लेना आप सही आपसे ठीक है कहाँ से आए आप दोस्तों ये सी वो इन्ने साल पुरानी पन्नी गली 125 साल पहला इतने बाबा जैमल सिंह जी आते होंगे सके स्वामी जी महाराज जी मिलन तो तुहानू सारी स्टोरी का पता वा मैं जो रासोमी सतसंग ब्यास की बुक आ धरती उत्ते स्वर्ग वो अकॉर्डिंग बोल रहा वा तुहानू प्रूफ भी दिखा दूंगा ये किसी रीजन करके मैं बोलना पै रहा प्रूफ नहीं तो तुहानू पता मैं बोलता नहीं हुंदा मेरे ख्याल वो तो आ किला है अगे है भाई अगे अगे आ जाओ अगे 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 दोस्तों ये रास्ता मुड़ता वा इतों आके राइट हैंड साइड ये पन्नी गली थोड़ा जहा अगे बस आ बस आ गए हूँ ये देख सकते हो दोस्तों तुसी बहुत ज़्यादा पुरानी है इन्हां नूं इन्ना तो पता कि बहुत ज़्यादा पुरानी है जिन्हां नूं पता वो कहिंदे आ कि बहुत पुरानी सीगी हम इतों देखते दे आप सीधा ही है मेरे ख्याल ना भाजी आयो आयो आ ही लग रहा दोस्तों मैनू तो मेरे ख्याल देख सकते हो तुम आ गया आई आ देखे तो पता लग रहा बंद ना होवे भरावा यही लग रहा ना कोई है भी नहीं पूछ रहे भरा भैया वो रासोमी का यही है खुला है कहाँ से जाने का रास्ता मेन गेट खुला तो है खुला है खुला है ये मेन गेट ही है अच्छा मेन गेट ये है ठीक है आ लिखा है दोस्तों आरएस आ देखो दर्शन कर सकते हो भाई आ देखो को सत्संग बाबा जी महाराज वो लिखा रहा स्वामी देखो कितना बढ़िया तरक्की की भैया कितने खड़ गए भाई आज आ मेन गेट दोस्तों एंट्री तो दोस्तों पहुंच गए आप फाइनली मोस्ट हिस्टोरिक लोकेशन जो साढ़े वास्ते हैगी है कितने साल पुरानी वो सामने खड़ा दोस्तों मैं तुम्हें घुमाने पूरा दर्शन कराने भी ये गली बहुत कीड़ी जी है बहुत पुरानी ये इमारत हैगी एक तो तुम्हें इतिहास बारे भी दसांगे जानू करावांगे दोस्तों जिन दोस्तों को पता है उनको पता है जिन्होंने बुक्स पढ़ी हैं ऑलमोस्ट सभी को पता है दोस्तों ये और ये यूट्यूब पे आप पहली बार मेरे ख्याल से देख रहे हो अंदर जाके आपको दिखाते हैं उधर आ खुला वा जाके किसी ने गल कराने बंद ना हो भरावा डर ही लगता बंद ना हो तो कल आना पेगा रासोमी जी रासोमी जी अंकल जी क्या हाल चाल जी ठीक ठाक बढ़िया हम बड़ी दूर से आए हैं पंजाब से आप ही से मिलने के लिए आए थे बूट यहाँ पे उतारे यहाँ उतार ठीक है अच्छा ये उनका मकान है सुने कौन अब बहुत
करे पुकार कारीगर नाही। पड़े नरक में जम थारा तो दोस्तों अंदर भाई वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं सी ते ना फोटो खिंच सकते सी उस करके असं बना नहीं सके उसके लिए सॉरी। बाकी तुहानू इतिहास बारे पूरा दसूंगा इतिहास बारे तुहानू पता लग गया होना। तो हुण आपां चलदे इत्थे नाल ही दोस्त एक हैगा वह रहिंदे सीगे जूर महाराज सालीग्राम जी राय बहादुर सालीग्राम जी। तो हुण उत्थे चलदे आ जिवें इन्हां दा इत्थे स्थान सीगा स्वामी जी महाराज का उत्थे उन्हां दा। तो एक हैगा दयाल बाग एक स्वामी बाग स्वामी बाग च स्वामी जी महाराज जी की समाधि है। इमारत देखो दोस्तों इतने किनिया पुरानी पुरानी वह 200 साल तो ज़्यादा पुरानी सी दोस्तों स्वामी जी महाराज जी की कहते 1818 च उन्हों का जन्म होया वा। इन्नी पुरानी बिल्डिंग देख के आए आप दोस्तों। जो इतने स्वामी बाग हैगा वा एक दयाल बाग आ स्वामी बाग से तुहानू स्वामी जी महाराज जी की समाधि मिलेगी। तो उत्थे 4 बजे कहते सत्संग हुंदा मैं पता किता गल की है तो जो जाना उत्थे तां 4 बजे जाओ उस तो पहले तुहानू नहीं जान देना ठीक है। तो इत्थे नाल हैगा राय बहादुर सालीग्राम जी की इत्थे जगह वा ये उन्हां दा घर आ। वीडियो बनाउण नहीं दिंदे नहीं तो मैं तुहानू दिखा देना सीगा। चलो कोई नहीं तुहानू इतिहास का पता लग गया उस जगह पर आप आ गए बारों बारों ईवन आपने देखी है। हुण इत्थे आने वाला वा राय बहादुर सालीग्राम जी का जन्म स्थान उन्हां दा घर हुण उत्थे आपां जा रहे हां नाल ही है। पढ़िया होना तुसीं उन्हां बारे भी मैं गल की इन्हां नाल दोस्तों मैं इन्हां तों पता किया जो इत्थे हैगे निराश होने वाले इन्हां दे हिसाब नाल इस टाइम कोई गुरु नहीं हैगा। सत्संग हुंदा वा मैनूं दस रहे सीगे सत्संग हुंदा वा बाकी होर सब। तो दोस्तों ये आ वो लोकेशन जो आपां पहलां छड्ड के गए सीगे ये आ हजूरी भवन पीपल मंडी तुहाडे सामने आ। इत्थे राय बहादुर सालीग्राम जी का घर सी आ देखो तुहाडे सामने ये जाता रास्ता। तो दोस्तों ये हुण दिखाने तुहानू अंदर जाके ते नाल नाल एक्सप्लेन भी करूँगा मैं हिस्ट्री। हाँ उससे आगे छोटा गेट है अच्छा, उसमें वो अभी एक लड़का अंदर गया वहाँ से आप अंदर जाइए और मत्था टेकिए ठीक है। दोनों समाधि खुलवा देना है तो जूर महाराज जी की समाधि है। अच्छा उनका मकान भी यहीं पे था यही हाँ, उन्हीं का है यही उनका बर्थ है ठीक है दादाजी महाराज भी यहीं पर हैं। अच्छा 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 इस समय शायद मिल नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा कोई कोई बात नहीं कोई हाँ जी हाँ जी वाणी वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज महिमा शब्द स्वरूप सतगुरु की वचन नौवा शब्द नौवा। दोस्तों मैं तुहानू एक्सप्लेन जरूर कर सकदा दोस्तों सेवादार जी ने मैनू वह भी जगह दिखाई जिथे स्वामी जी महाराज बह के भजन करया करदे सी ते उत्थे मैं भी 5 मिनट बैठिया ते मन नू जरूर तसली मिली ते एक याद आई कि बाबा जैमल सिंह जी इत्थे आउंदे हुंदे सी उही जगह वा इह उन्होंने भी इत्थे भजन किया बह के। उत्थे स्वामी जी महाराज जी दीआं फोटोआं लगियां होईआं ने। मेन जगह तो मैं तुहानू दिखा नहीं सकिया ये सारा ही मेन आ ते उत्ते जो चुबारा भी हैगा वा छत उत्थे भी एक बहुत वधिया रूम आ ते स्वामी जी महाराज जी दीआं फोटोआं रखियां ने ते जो राधा जी माता सीगे उन्हां दीआं भी फोटोआं पईआं ने। एक राधा बाग मैं तुहानू अगले व्लॉग विच दिखाऊंगा वह राधा बाग उत्थे भी संत महात्मा दे चरण पै चुके आ वह व्लॉग भी आऊगा दोस्तों ते स्वामी बाग का भी। तो दोस्तों इस घर नूं तां 200 तो ज़्यादा साल हो गए आ तुसीं खुद सोचो इमेजिन करो कि जिवें तुसीं बुक विच पढ़िया वा इत्थे बाबा जैमल सिंह जी कुछ दिन ठहरते होंगे ते उन्हां दी सुरत भी इत्थे लगती होंगी सी। उस जगह ते 5 मिनट बह के भी भजन करना बहुत माण वाली बहुत खुशी वाली गल आ मैं समझदा ते मैनू वह सौभाग्य प्राप्त होया बाबा जी की कृपा नाल ते गल महसूस करन दी आ ते एक याद आउंदी आ। ते दोस्तों इत्थे रसोई भी है जो माता राधा जी की है वह भी असी देखी ते होर पूरी कोठी बहुत वधिया लग्या सानू जो अज तक मैं किताबों पढ़िया सी वो अज देखने मिल गया ते तुहानू भी कुछ झलक मिली गई है
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਆਪ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲਤਾ ਹੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ। दोखा खा